और इसमें हम अब बनाएंगे एक वीडियो। देखिए ये मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। तो आज मैं स्पेशली काइन मास्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ न्यू बिगनर्स के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये काइन मास्टर का इंट्रो है जहाँ से हम स्टार्ट करना सीखेंगे कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं। तो ये जो आप वीडियोस बनाएंगे वो आपको प्रीवियस में राइट साइड पर दिखेंगे। ये देखें जो मेरी पुरानी वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी, ये मेरी ओल्ड वीडियोस हैं जो मैंने इसी के ऊपर बनाई हुई हैं। अभी हम काइन मास्टर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये देखें। तो मैं एक न्यू वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको जैसा कि आपको नज़र आ रही है प्लस वाला पॉइंट, पहले अपने प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये मुख्तलिफ साइज़ लिए हुए हैं, जिस साइज़ में आप चाहें अपने लिए वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 16:9 पर ही बनाएं, तो इसमें आपकी वीडियो बेस्ट आएगी और देखने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो चलें फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये देखें यहाँ से आपने इंटर करना है वीडियो को, जो वीडियो आपको चाहिए जिसको आप बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को यहाँ पर इंसर्ट कर लें। ये देखें ये हमारे पास वीडियो आ गई है। ये एक फ्रिज है, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी, तो इसी को हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स साथ रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स इसमें अब हमने मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करनी हैं, जैसे कि इफ़ेक्ट्स हो गए, टाइटल हो गया। ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास लेयर को जब हम ओपन करेंगे, इसमें हमारे पास मीडिया, इफ़ेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट मतलब टाइटल और हैंड राइटिंग, ये आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपने इसके साथ नेक्स्ट में या एंड में कोई भी वीडियो जोड़नी है तो शुरू में आप वीडियो इसके साथ लगा सकते हैं। शुरू पे ले आएंगे तो शुरू में वीडियो आएगी दूसरी, और अगर एंड पे ले आएंगे तो एंड पे आपके साथ दूसरी वीडियो आएगी। तो इसमें आप फ्रेंड्स कोई भी वीडियो लगा सकते हैं जो कि आपके ख्वाहिश के मुताबिक हो, जैसा आप चाहें। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें टाइटल लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट पे आके यहाँ आप जो भी लिखेंगे, मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, ताकि टाइटल में मेरे चैनल का नाम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसके मुख्तलिफ राइटिंग के डिज़ाइन हैं, जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये कलर्स है, राइट साइड पे फर्स्ट यहाँ पर कलर है, आप कलर भी इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए आप वो लगा सकते हैं। साथ में आप इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, जिस जगह पे आपको चाहिए आप उस जगह पर लेकर जा सकते हैं। एक और चीज़ साथ में यहाँ पे हमारे पास ये सीज़र बना हुआ है, सीज़र के साथ हम कटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वीडियो है, हमें यहाँ पे इसको कट करना है 17 सेकंड पे। तो ट्रिम फर्स्ट जो है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट, तो यहाँ पे आप अगर ऐसा करेंगे तो जो आपकी राइट लेफ्ट साइड वाली वीडियो है वो कट हो जाएगी। ये देखें
और अगर आप दूसरे को सेकंड नंबर को करेंगे तो आपकी राइट साइड वाली वीडियो कट हो जाएगी, स्प्लिट पे जो है आपकी वीडियो कट तो हो जाएगी लेकिन सेंटर से। इसमें आप कोई भी इफ़ेक्ट सेंटर में डाल सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ये वाला इफ़ेक्ट डाल लेता हूँ। तो ये कैसे शो होगा ये मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ। इसमें ये देखें, तो इसमें इस किस्म का आपको एक बेनिफिट मिलता है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास इफेक्ट है, इफेक्ट यहाँ से आप इसमें अपने भी हैं, ये देखेंगे स्मोक है, ये और इफेक्ट है, और यहाँ पे आप गेट मोर में ऑनलाइन से और भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें इसमें बढ़े हुए हैं ब्लर, कलर, डिस्टोरेशन और मुख्तलिफ यहाँ पर होते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पर हमारे पास स्टिकर है, तो आप यहाँ से कोई भी स्टिकर ले सकते हैं और इधर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड नंबर पे हमारे पास, फोर्थ नंबर पे हमारे पास टेक्स्ट हो गया है, ये मैंने आपको करके बता दिया है। और लास्ट में हमारे पास हैंड राइटिंग है, जो भी आप हैंड राइटिंग यहाँ से करना चाहते हैं आप इधर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे पास एक टूल। इंशाल्लाह मैं आपको और भी टूल्स बताता रहूँगा। और साथ में इसमें एक मीडिया है, अगर आप इधर मीडिया में से कोई भी वीडियो इंसर्ट करते हैं तो वो सेकंड रो में आएगी, जैसा कि मैं इधर से कोई भी वीडियो इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखें ये हो गया, तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया है, तो ये इस वीडियो के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये वीडियो के साथ में यहाँ पे साइड पे टच कर सकता हूँ। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया है लेयर, ये हमारे पास हो गया है लेयर हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है ऑडियो की। ऑडियो में ये देखें, अगर आपकी गैलरी में कोई सॉन्ग दें तो वो लास्ट में आएंगे, और अगर आप यहाँ से और डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऊपर निशान के साथ राइट साइड में ये एक निशान बना हुआ है, यहाँ से आप कोई भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियो डाउनलोड करके फिर वीडियो पे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और लास्ट में अगर आप यहाँ पर किसी भी जगह पर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप इधर से वॉइस ओवर कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से डाउनलोड करने के लिए, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये वीडियो आपके पास उस जगह पर आ जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पे ये पिक्चर डाली है, तो इसमें ये एनिमेशन है कि वीडियो कौन सी साइट से एंटर हो और कौन सी साइट से, ये एनिमेशन है, और अगर इस पे आप एंट्री लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ पॉपअप, ठीक है, और साथ में आउट एनिमेशन में मैं साइड लगा लेता हूँ। तो ये फिर कैसे होगा, तो चलें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी लेंथ थोड़ी मैं कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथ हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये देखें, ये अब हमारे पास कैसे एंट्री करेगा, एंट्री इसकी ऐसी होगी। ऐसे ये वीडियो में इंसर्ट करेगा और इसका आउट कैसे होगा ये आप देख लें। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि ये अगर एनिमेशन हम लगाते हैं तो इसका इन ऐसे होता है, आउट ऐसे नज़र आएगा, जैसा कि आपने देख लिया। ओवरऑल एनिमेशन एनिमेशन तो टोटल जो है इस पे वो होगा, एनिमेशन होगा, ये ब्लिंकिंग करेगा, मतलब जब तक ये रहेगा ये ब्लिंकिंग ही करता रहेगा। तो ये देखें इसमें मुख्तलिफ हैं,
जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए। चोरमा की है, चोरमा की यहाँ पे ब्लू होता है, ब्लू कलर, उसमें हमें थोड़ा सा अगर इसके बैक में ग्रीन कलर हो तो फिर ये ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा, नहीं आता इसमें बिल्कुल, वो साफ़ हो जाता है और जो आइटम होता है आपके पास वही नज़र आएगा। क्रॉपिंग में हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, स्पीड इसकी हम स्पीड से हम यहाँ स्पीड पे जाएंगे, इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास रिवर्स है, अगर हम किसी वीडियो को रिवर्स में लगाना चाहें तो ये सारी वीडियो हमारी रिवर्स में चली जाएगी, ठीक है। कलर फिल्टर दें, कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए हम वो लगा सकते हैं, चाहे वीडियो पे हो चाहे पिक्चर पे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो साथ में रोटेट मिररिंग, अगर हम किसी पिक्चर को 190 या 360 पे घुमाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ में एडजस्टमेंट हो गई, ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, साथ में स्ट्रक्शन, ये हो गया है। और वॉल्यूम यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वीडियो की वॉल्यूम जो है वो हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। साथ में रिवर्ब हो गया है, ये देखें रिवर्ब में ये ऐसे हो जाएगा, तो रिवर्ब में ये चीज़ होगी हमारे पास। और वॉइस चेंजर, इस पर हम वॉइस चेंज भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग से हम ऐसे भी ओवरले भी कर सकते हैं, मल्टीपल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो सो देखें हम फ्रेंड्स, स्क्रीन से हमारे पास ये देख लें, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास और भी चीज़ें हैं। क्रॉपिंग स्पीड हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया। इको ये होती है आवाज़ के लिए, यहाँ से हम आवाज़ ज़्यादा या कम कोई भी लगा सकते हैं। नेचुरल एग्जैक्ट ऑडियो और इन्फॉर्मेशन लास्ट में होती है। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें और भी नई नई ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। लास्ट में हम चैनल को वॉच कीजिए और एंड तक देखिए। थैंक यू।